आज जमशेदपुर की करते हैं, जहां बधाल NH-33 की अब किस्मत खुल गई है। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मामले पर पार्टियों के बीच घमासान भी चालू है। हर पार्टी सड़क पर सियासत करने में अब जुट गई है। जमशेदपुर की ये वही सड़क है जिस पर संग्राम छिड़ा है। पार्टियों में ठन गई है कि NH-33 के निर्माण का सेहरा वो अपने सिर बंधवा कर ही रहेंगे। खस्ताहाल NH पर निर्माण का काम शुरू हो गया है और श्रेय लेने का विवाद भी। हमने जितना क्वेश्चन उठाया है वो वेबसाइट पर है, तो अर्जुन जी को बोलिएगा कि अगर इंटरनेट खोलना नहीं मालूम है तो खेलाराम जी और नरेश बाबू जाकर उनको मदद कर लेंगे। सही बात है, क्योंकि हम तो थक गए उनके क्या बोलते हैं झूठ से। JVM ने इस मामले में साफ किया है कि सड़क के निर्माण के लिए जंग उसी ने छेड़ी है, तो क्रेडिट किसी और को क्यों मिले। बात को साबित करने के लिए उसे चाहे किसी को चोर ही कहना क्यों न पड़े। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो निकम्मा चोर होता है ना, कि जाता है दिखता है सबको मालूम है कि चोरी कर रहा है और पकड़ा भी जाता है। देखिए तेज चोर क्या होता है, चोरी करता चुपचाप देकर डाइवर्ट करके निकाल देगा। ये तो दुकान में गया, बाहर जाएगा तो पूरा दुकानदार उसको मारा कि यार तू क्या चुरा रहा है, तुम तो एकदम मूर्ख है, उसी तरह का चोर है। इस मामले में BJP खुद पर हुए वार का जवाब कैसे न देती। जवाब में उसने भी कह दिया कि NH का मुद्दा उन्होंने ही पार्लियामेंट तक पहुंचाया है और ये मामला तो JVM की सोची समझी साजिश के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस का प्रतिनिधि कभी सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकता, और इसीलिए इस फ्रेंडली मैच के तहत भोर में 5 बजे ही सांसद सहित इनके नेता घर से ही गिरफ्तार हो गए और हम लोग ने आंदोलन दिया। मामला गर्म है तो कांग्रेस अपनी रोटियां सेकने में पीछे क्यों रहती, उसने तो अपना अलग ही राग अला दिया। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल का पैसा है, तो एक कहावत है कि माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, मतलब माल किसी का है और मिर्जा जी होली खेल रहे हैं, तो वही नेता लोग का क्या है। नेता लोग को तो जहाँ पर माइक और देखना है कैमरा, उधर अपना भाषण दे देना है। कोई किसी को चोर कह रहा है तो कोई खुद को महाराज बता रहा है, लेकिन सच यही है कि इन सभी का ध्यान राजनीतिक रोटियों पर ही है। समय के लिए जमशेदपुर से अंजनी पांडे।